क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो किया गया है और जो पार्टिकल है वो टारगेट टी को हिट करता है, तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक सिंपल क्वेश्चन है, तो हम फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। वी हैव रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज फोर्स बाई मास। तो हम पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ए इज इक्वल टू फोर्स बाई मास, दैट इज क्यू ई बाई एम, ठीक है। अगेन क्यू बाई एम इज इक्वल टू 10^10 इंटू ई, ई इज इक्वल टू 400√3, दिस इज इक्वल टू 4√3 इंटू 10^12 m/s², ठीक है। तो सबके वैल्यू पुट करते हैं, रेंज इज इक्वल टू 5 m, सो दिस इज 5 = u². ये हो जाएगा 4 × 10 × 10^12 साइन 2θ डिवाइड बाई जी, दैट इज ए, दिस इज 4√3 × 10^12, तो 10^12 कैंसिल, 4 कैंसिल, एंड दिस इंप्लाई दैट साइन 2θ इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 60, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन 180 − 60। तो यहाँ पर थीटा की दो वैल्यू आएगी, ठीक है। सो वी हैव थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 60/2, दैट इज 30°, एंड ऑल्सो 120/2, दैट इज 60°। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं कि थीटा इक्वल टू 30° के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है और 60° के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है। लेट अस अप्लाई t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, दैट इज a, ठीक है। नाउ वी हैव t1, दिस इज 4θ इक्वल टू 30°, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × u, दैट इज 2√10 × 10^6 इंटू साइन 30, दैट इज हाफ डिवाइड बाई ए, दैट इज 4√3 × 10^12, ठीक है। तो 4 कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा √10/12, दैट इज √5/6 × 10^-6, ठीक है। दिस इज इक्वल टू √5/6 µs, ठीक है, और ये आंसर हो गया। नेक्स्ट t2 फाइंड करते हैं। t2 इज 4θ इक्वल टू 60°, ठीक है। तो t2 के लिए यहाँ पे √3/2 पुट करना होगा, ठीक है। मतलब t2 जो है वो t1 × √3 के इक्वल होगा, ठीक है, एंड दिस विल बी √5/2 µs, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।